अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है आप स्टार्टिंग करो, अगर 300 बच्चों से स्टार्टिंग करो, 200 से करो, और आप एक रोटेशन बना के रखें बच्चों का, जो भी आप मुर्गा फार्म खोलना चाहते हो। अगर आपका बजट भी है 1000 बच्चों का बजट है, फिर भी मैं यही सुझाव दूंगा पहले महीने आप 300 ही बच्चे डालें, उसके नेक्स्ट मंथ फिर से 300 डाल दें, नेक्स्ट मंथ फिर से 300 डाल दें, आपकी लोकल में मार्केटिंग भी बनेगी, आपका बच्चा भी बिकने लगेगा, और जो बच्चा आपका एक लाइन में चल रहा है पीछे से तैयार हो रहा है वो अच्छा बिकेगा। बड़ा बच्चा तैयार होगा वो बिकता रहेगा, दाना वो ज़्यादा खाएगा, छोटा वाला दाना कम खाएगा, मार्केटिंग बन जाएगी। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश वेलकम करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज हम बिजनौर में आए हैं विपिन जी के फार्म हाउस पे, जो कि देसी मुर्गे का काम करते हैं। ये भाई प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, अभी उसके बाद ये जॉब कर रहे हैं, 10-12 साल नौकरी करी है, अब साथ में मुर्गा फार्म करते हैं। तो सर से जानेंगे कब से कर रहे हैं, क्या इनको इससे प्रॉफिट है, कहाँ सेल करते हैं, कहाँ मार्केटिंग करते हैं, तमाम सारे आज इनसे बात करेंगे। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। जो भाई पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में जो पास वाली घंटी के बटन है वो जरूर दबाएं, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर, एक परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विपिन चौधरी है, मैं ग्राम अरोला पोस्ट वास्टा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से हूँ। तो विपिन जी, देसी मुर्गी का विचार आपको कैसे आया? ये बेसिकली हमारे गाँव में पास में ही हमारे पड़ोसी थे एक, तो उन्होंने पहले देसी मुर्गी फार्म के कुछ बच्चे 150 बच्चे स्टार्ट किए हुए थे, तो उन्हीं को देख के हमारा जो पार्टनर था, अभी हमने अलग काम स्टार्ट किया, इससे पहले हमारे पार्टनरशिप में हमने ये फार्म खोला हुआ था, तो उसने आके हमसे जिक्र किया कि चलिए भाई इसको करते हैं, पार्टनरशिप में काम बढ़ाते हैं थोड़ा, तो उसके बाद से बस हमने ये स्टार्ट किया। और उसके बाद तो यूट्यूब वगैरह देख के जब कर दिया एक बार स्टार्ट, तो यूट्यूब से जैसे ये वीडियो है और भी हमने बहुत सारे वीडियो सर्च किए देखे, तो ऐसे बस वीडियो देखते रहते हैं, धीरे धीरे नॉलेज हुई बढ़ती गई और अपना काम बढ़ा लिया। तो विपिन जी, इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं जॉब करता था, मेरा 2011 का बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, और मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मैंने 10 से 11 साल जॉब की है, जॉब कर रहा था, और अभी भी जॉब तो अभी भी चाहें तो कर ही सकते हैं, बट अभी जब गाँव में है कोरोना का कहर है, बाहर वैसे ही डर है, लोगों को खौफ है, उससे अच्छा है घर से दूर जाने से अच्छा है भी अगर यहीं पर आपका उतना बिजनेस इनकम उतनी ही आ जाए जितनी हमारी बाहर से जॉब करते हुए आ रही थी, तो उससे बेस्ट और क्या होगा। तो विपिन जी, आपने कितने बड़े से स्टार्ट करा था, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट आया था? हमने स्टार्टिंग में पहले जब स्टार्ट किया था वो हमने 1200 बड़ से किया था, बट अभी मैंने ये दोबारा से काम स्टार्ट किया है, तो अभी मैं सिर्फ छोटे बड़ मंगाता हूँ, वन डे चिक, ओल्ड चिक वाला, और उसको ब्रूडिंग करके उसको मैं निकालता रहता हूँ, बहुत सारे लोकल फार्मर आते हैं वो लेते रहते हैं। तो आज कितने बर्ड हैं सर? अभी हमारे पास में ये कल तक 1200 थे, बट मेरे 200 मैंने कल ये एक फार्म पे भिजवा दिए हैं, तो अभी 1000 बर्ड हैं मेरे पास जी। तो सर वैरायटी कौन सी है? ये मेरे पास अभी फिलहाल में जो मैक्सिमम वैरायटी है ये RIR है, और इसमें भी 50% RIR है, इंडब्रो हैदराबाद का जी। तो विपिन जी, स्टार्टिंग में कितना खर्चा आपको आया था? स्टार्टिंग में मान के चलिए जी, अभी तो मैंने सिर्फ 50,000 से स्टार्ट कर दिया था ये काम ब्रूडिंग वाला, उससे पहले हमने 3-4 लाख रुपए लगाया था पिछली बार जब हमने पहले फार्म चलाया था, तो अभी तो सिर्फ ब्रूडिंग का काम है, अभी फार्म बनाना है हमें, अभी वेट कर रहे हैं सर्दी के सीजन का अंडे वाले का, तो अभी हमें फार्म बनाना है, और तब देखो कंस्ट्रक्शन में भी थोड़ा खर्चा ही जाता है, तो एवरेज मान के चलिए अगर आप 1000 बच्चों से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1-1.25 लाख आप पक्का अगर बनाएंगे तो उसका खर्चा मान लीजिए, बाकी 1000 बच्चों पे आपका 3 लाख के आसपास आराम से खर्चा आ जाएगा। तो सर ये अंडा और किस रेट का जाता है और मीट किस रेट का जाता है? अंडा यहाँ पे आप लोकल में फुटकर में अगर पर अंडे की बात करें तो 15 रुपये अंडा बड़े आराम से चला जाता है, और अगर मैं क्रेट की बात करूँ तो 400 रुपये क्रेट चली जाती है, 30 अंडों की एक क्रेट होती है, और मीट का 200-250 रुपये केजी तक बड़े आराम से बिक जाता है। तो विपिन जी, आप ये सेल कहाँ कहाँ करते हैं? हम अभी तो छोटा बच्चा है मेरे पास जो ब्रूडिंग करके तैयार करता हूँ, 15-20 दिन का बच्चा हो जाता है उसको देते हैं, तो ये तो मेरा ऑल ओवर इंडिया ही मान लीजिए, यहाँ से अब कई स्टेट में जा रहा है, यहाँ से लोग बाग आ जाते हैं, खुद से लेने आ जाते हैं, और बाकी जो फुटकर में बच्चा लेने वाले होते हैं, मुर्गा लेने वाले होते हैं, वो खुद फार्म से आके ले जाते हैं। तो विपिन जी, जब आपने स्टार्ट किया था तो कभी माइंड में ऐसा आया था कि मार्केट कहाँ करेंगे, कहाँ बेचेंगे ये? क्योंकि नहीं, स्टार्टिंग में माइंड में हमारे इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें बेसिकली स्टार्ट जब हमने किया था तो एग पर्पज़ से ही किया था हमने, तो हमारे माइंड में इसलिए नहीं आया कि मीट पर्पज़ से, हम ज़्यादा मुर्गे थे नहीं हमारे पास कि हमें ज़्यादा मुर्गों की दिक्कत आएगी, अंडा तो अपना बिक ही जाएगा, लोकल में सर्दी का सीज़न है, गांव देहात में लोग देसी खा रहे हैं आजकल, अंडा तो बड़ा उम्मीद थी हमें कि बिक ही जाएगा, और अंडा बिका भी हमारा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ती गई, लोग को जानकारी होती गई, तो अपना मुर्गे की भी मार्केटिंग ठीक ठाक हो गई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, मंथली में अपना फार्म से ही 100-150-200 मुर्गे आराम से बिक जाते हैं। तो विपिन जी, कितनी आपको इनकम हो जाती है इससे?
मान के चलिए जी, अभी तो काम फिलहाल में छोटा है, अभी तो नॉर्मली 20 से 25 हज़ार के आसपास समथिंग अभी हो रहा है। बहुत छोटा काम है मेरे हिसाब से, अभी तो स्टार्ट ही नहीं है मेरा, ये अभी तो बंद ही है एक टाइप से। अभी तो ये बैकयार्ड फार्मिंग बोल सकते हैं आप इसको, घर के पीछे थोड़ा चलाया हुआ है, तो इसमें इतना हो रहा है। और जब बढ़ जाएगा तो मुझे उम्मीद है कम से कम तो 40 से तो क्रॉस कर ही जाएगा बड़े आराम से, 40 हज़ार से ऊपर मैं आराम से कर लूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मार्केटिंग होना आपकी। मेरी मार्केटिंग है, मेरे पहले भी एक दो वीडियो या लोग भागो, मैं सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से जुड़ा रहता हूँ, यूट्यूब चैनल भी अपना छोटा सा बनाया हुआ है, या मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उनके थ्रू मैं लोगों से जुड़ा रहता हूँ। फिर ज़रूरी है इसमें आप लोगों को रेस्पॉन्स कैसा दे रहे हैं जी। दूसरा सर ये बताइए, अगर कोई भाई को स्टार्ट करना चाहता है तो कितनी बड़ी से स्टार्ट करे, कितना उसको खर्चा आएगा, कितना उसे प्रॉफिट ले सकता है? देखिए, अगर कोई भी बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है तो अपने कैपेसिटी से स्टार्ट करे। अगर आपके पास बजट कम है तो आप, जरूरी नहीं है कि 1000 बच्चे एक साथ में लेके आओ। 1000 बच्चों से अगर आप स्टार्ट करोगे और मीट परपज से अगर डेवलप जी आप पाल रहे हो, तो एवरेज मान के चलिए आपने कंस्ट्रक्शन अपना अलग बना लिया है तो 3 लाख का खर्चा तो आपका हो ही जाएगा, बच्चों सहित, बच्चों का खर्चा प्लस दाने का खर्चा। और अगर आप अंडा परपज से कर रहे हो तो फिर आप प्रॉफिट स्टार्टिंग में भूल ही जाइए, कम से कम 5 महीना आपको बच्चा पालना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोडक्शन मिलेगा। अंडे का 100 बर्ड से स्टार्ट करना चाहता है तो उसको कितना खर्चा आएगा? 100 बर्ड से अगर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको नॉर्मली 30 से 35 हज़ार खर्चा आ जाएगा। और बाकी अगर उसने कच्चा बनाया हुआ है, टीन सेट वगैरह नहीं डाला हुआ है, कच्चा मकान बनाता है, अपना एक झोपड़ी टाइप से बनाता है, तो उसमें उसकी थोड़ा बचत हो जाएगी, 5-7 हज़ार में वो तैयार हो सकता है उसका। और अगर काम आपको करना ही आगे करना है तो 5-7 हज़ार में आपका वो तैयार हो, उससे अच्छा 15 हज़ार में पक्का इनका सीमेंट का सेट डाल के तभी बनाए। अगर सर ये बताइए, फीड में आप इन्हें क्या क्या खिलाते हैं? फीड में बेसिकली देखिए जी, मैं बच्चा जो कर रहा हूँ ब्रूडिंग फेज में तैयार करता हूँ, 1 दिन का बच्चा होता है, तो मुझे दाना कंपनी वाला ही खिलाना पड़ता है, छोटे बच्चों को मैं कुछ और खिला भी नहीं सकता हूँ। तो इसमें दाना आता है प्री स्टार्टर, तो पहले 1 दिन से लेकर 20 दिन तक 25 दिन तक तो मैं प्री स्टार्टर खिलाता हूँ, और उसके बाद मैं 20 दिन के बाद इनको स्टार्टर खिलाता हूँ। और जैसे अभी मेरे कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं जो अंडे के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, जो बड़े वाले आपको ये RIR दिखाई दे रहे हैं, तो इनके लिए एक कुछ नॉर्मल रेट में दाना आता है ग्रोवर के नाम से, तो अभी मैं फिर इनको ग्रोवर देता हूँ। उसमें आप मिक्स कर सकते हो अपना कुछ, अभी मैंने मक्का ली हुई है, मक्का है और चावल की किनकी बहुत कम मात्रा में मिक्स करता हूँ, वैसे मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ। फिर सोयाबीन। तो सर ये बताइए, अंडा देना कब स्टार्ट करती है और कब तक देती है? ये जो हमारी RIR है इसका 4.5 महीने में जब इसकी एज हो जाती है अंडा देना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद ये लगातार 2 साल तक अंडे देती रहती है। देने को तो उसके बाद भी देगी, लेकिन आप जितना खिलाएंगे उसका प्रोडक्शन नहीं मिलेगा आपको। तो मान के चलिए 6 महीने अगर आपने अच्छे से पाला है, 1.5 साल तक बड़े आराम से आपको बढ़िया वाला अंडा मिल जाएगा। तो विपिन जी ये बताइए कि जब आपने काम स्टार्ट किया था तो आपको समस्याएं क्या क्या आई थी, क्योंकि समस्याएं हर किसी काम में आती है। देखिए जी, काम स्टार्ट किया था, सीखने में 1 साल लग गया, उसमें नुकसान भी उठाना पड़ा बेकार में। हम बोल रहे जी, कोई भी वीडियो देख के कहने लगे जी मुर्गा फार्म में बहुत ज़्यादा फायदा है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। समस्याएँ आई, नॉलेज ना होना बहुत बड़ी समस्या थी। उसमें हमारे कुछ बच्चों की मोर्टिलिटी भी हुई थी, मरे भी थे काफ़ी बच्चे, उसमें कमी रही हमारी। अब आदमी खुद ही गलती करेगा तो भुगतना ही पड़ेगा। उसमें हमने वैक्सीनेशन नहीं किया था पहले बच्चों का, तो नॉलेज होना ज़रूरी है। समस्याएं आती हैं सिर्फ और सिर्फ बीमारी की नॉलेज नहीं होती है हमें, क्या बीमारी आ रही है उसकी हमें जानकारी नहीं होती है। फिर हमें ढूंढना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है यूट्यूब से कि ये लक्षण है, ये बीमारी है, तो उससे अच्छा आप पहले या तो किसी के टच में रहें कि उसको किसी फार्मर के टच में है, ताकि आपको प्रॉपर गाइड मिलती रहे, तो आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिलती रहेगी उससे। दूसरा सर, क्या आप संदेश देना चाहते हैं भाई को जो स्टार्ट करना चाहते हैं? भाइयों, मैं बेसिकली आपको यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी आप करना चाहते हो, अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है आप स्टार्टिंग करो, अगर 300 बच्चों से स्टार्टिंग करो, 200 से करो, और आप एक रोटेशन बना के रखें बच्चों का। जो भी आप मुर्गा फार्म खोलना चाहते हो, अगर आपका बजट भी है 1000 बच्चों का बजट है, फिर भी मैं यही सुझाव दूंगा, पहले महीने आप 300 ही बच्चे डालें, उसके नेक्स्ट मंथ फिर से 300 डाल दें, नेक्स्ट मंथ फिर से 300 डाल दें, आपकी लोकल में मार्केटिंग भी बनेगी, आपका बच्चा भी बिकने लगेगा, और जो बच्चा आपका एक लाइन में चल रहा है पीछे से तैयार हो रहा है वो अच्छा बिकेगा। बड़ा बच्चा तैयार होगा वो बिकता रहेगा, दाना वो ज़्यादा खाएगा, छोटा वाला दाना कम खाएगा, मार्केटिंग बन जाएगी। और कहीं भी फार्म स्टार्ट करना चाहते हो आप, सबसे ज़रूरी है इसमें मार्केटिंग होना। या तो आप सर्च कर लें आपके आसपास में कौन से बच्चे की डिमांड ज़्यादा रहती है, प्लस आप कहीं पे भी फार्म बनाना चाह रहे हो अपना, तो फार्म को ऐसी जगह पे मुर्गा फार्म आप तैयार करें जहाँ पे लोकल रोड, मेन रोड निकल रही हो, जो लोग बाग खुद देखें, आपको किसी के घर पे जाना ना पड़े। धन्यवाद सर।